सोलन जिला में HRTC चालक परिचालकों की स्ट्राइक के चलते बस सेवा ठप रही। राजधानी शिमला के RM तबादले की चिंगारी की गूंज सोलन में भी देखने को मिली। HRTC के चालकों परिचालकों ने बस अड्डे पर दोनों ओर बसें लगाकर बस अड्डे को बंद कर दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। बस शिमला के RM देवसेन नेगी के तबादले को निरस्त करने की मांग की गई। हमारा जो कल शिमला में एपिसोड हुआ है, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का जो तबादला कर दिया गया है, जबकि उन्होंने जो है इन प्राइवेट बसों पर अंकुश लगाने के लिए जो है आवाज़ उठाई या प्राइवेट बसों के टाइम टेबल के लिए जो है उन्होंने कहा, तो उस संदर्भ में उनका जो तबादला कर दिया गया, जिस सिलसिले में जो है पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में ये गेट बंद हो रहे हैं और जो स्ट्राइक का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, जब तक उनका जो है स्थानांतर रद्द नहीं होता या इन प्राइवेट बसों पर जो है अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक जो है हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल सकती है। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।